नमस्ते दोस्तों, मल्टीटास्किंग अंशिका चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में आपको घर पे ही ताज़ा बढ़िया मक्खन निकालने की विधि बताऊंगी। आप लोग देखिए, घर पे ही ताज़ा मक्खन बनाने के लिए आपको लेना है एक पतीले में 2 लीटर दूध, बढ़िया गाढ़ा करके उसकी एक मोटी सी मलाई बना लेनी है। पका के अच्छे से देखिए मैंने जैसे बनाया है। अब इस दूध को ठंडा करके आप इसको फ्रीज में स्टोर करके रख दीजिए। समर्स में आप फ्रीज का टेम्परेचर आप 6 से 7 सेट करेंगे और आपको ध्यान रखना है कि 5 से 6 घंटे तक हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और मोटी मलाई उसमें पड़ जाए। फिर हम मलाई को निकाल कर एक अलग बर्तन में एक बड़े चम्मच की हेल्प से खूब अच्छे से उसको फेंटेंगे। फेंट कर फिर हम उसको ये देखिए मिक्सर में डालकर और ठंडा पानी, अगर आप गर्मी में कर रहे हैं तो ठंडा पानी डाल के फिर उसको खूब अच्छे से चलाएंगे, मिक्सर को चलाएंगे। मिक्सर चलाने के बाद हमारा देखिए मक्खन ऊपर ऐसे बनता रहता है, मक्खन बनके तैयार हो जाता है। देखिए हमारा मक्खन बनके रेडी हो गया है, कितना बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। आपको ताज़ा मक्खन खाना हो तो आप ताज़ा मक्खन खाइए, नहीं तो आप इसको गर्म करके बढ़िया अच्छे से घी बना लीजिए घर पे ही। ठंडी में तो मक्खन अच्छे से बन जाता है, लेकिन आपको गर्मी में क्या करना होगा, ये मलाई जो है पिघल जाती है, तो आपको ये फ्रीजर में ठंडा पानी रख लेना है, बर्फ़ रख लेना है, और आप जैसे जैसे जार मिक्सर जार में आप देखिए बर्फ़ डाल देंगे तो वैसे ही जैसे ठंडी में निकलता है मक्खन वैसे ही ताज़ा मक्खन निकलेगा। ये आपको प्रिकॉशन रखनी है गर्मियों में। और ठंडी में क्या करना है कि आपने मलाई रखी है तो आपको मलाई पहले ही निकाल के 1 घंटे पहले ही रख देना है और आपका फिर अच्छे से मक्खन बन के रेडी हो जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर